सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और आज जो टॉपिक पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी समय से न्यूज़ में है। ठीक है, बहुत यूनिक है ये साइक्लोन फानी जो है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक साइक्लोन है। और क्यों यूनिक है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन जनरल अगर आप देखें तो अप्रैल और मई के मंथ में, अप्रैल और मई के मंथ में आपके साइक्लोन्स बनते हैं, अप्रैल और मई के मंथ में आपके साइक्लोन बनते हैं, और जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में जो है वो साइक्लोन्स बनते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में। ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगा ये दोनों ही एस्पेक्ट। एक तो इन सीटू ओरिजन है फानी का, मतलब फानी जो बना है अप्रैल मई के महीने में ये बे ऑफ बंगाल रीजन में ही बना है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में जो साइक्लोन बनते हैं वो पैसिफिक ओशियन में बनते हैं और फिर बे ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं। तो ये कुछ बातों पर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आऊँगा। और ये बहुत ज़्यादा यूनिक साइक्लोन है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म इट फॉलोड, है ना, और साथ में जो रूट इसने फॉलो किया है, इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि ये साइक्लोन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बेसिक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लर्निंग ऐप में है, लर्निंग ऐप में जो कोर्स चल रहे हैं एमसीक्यूज मैं डेली डाल रहा हूँ। अगर आप 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग के भी लेक्चर्स हैं, और क्लाइमेटोलॉजी के कुछ टॉपिक्स, एलनिनो लानिना एलनिनो मुडोकी जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इन टॉपिक्स से आपको कोई भी डाउट है, है ना, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लर्निंग ऐप में आप मुझे सर्च कर सकते हैं सौरभ पांडे नाम से, ठीक है, और मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगेन माय नेम इज सौरभ पांडे। तो ये जो मेरी लर्निंग ऐप की आईडी है पांडे 10 जो है unacademy.com, है ना, पांडे 10, तो आप इसको टाइप कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं लर्निंग ऐप में। आई हैव 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, ऑल्सो टॉट इन इंस्टीट्यूट लाइक विजन आई एस, वर्कड एज अ सीनियर यूपीएससी फैकल्टी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्वालिफाइड एग्जाम्स लाइक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, डिड एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, गेव यूपीएससी इंटरव्यू प्लस 3 IAS मेंस एंड आरएस मेंस। तो दिस इज ब्रीफ अबाउट मी। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक से आपके प्रश्न क्या बन सकते हैं और साथ में ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो पहली चीज, इसमें जो प्रश्न आपके जीएस पेपर 1 में सेक्शन ज्योग्राफी में आसान सा प्रश्न बन सकता है, फानी के ऊपर कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है, और जीएस पेपर 3 में भी प्रश्न बन सकता है। जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है लगातार, और इस प्रकार का जो बदलाव देखने को मिल रहा है साइक्लोन्स में, साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में और साइक्लोन्स के फ्रीक्वेंसी में, दोनों ही चीज़ों पर, ठीक है, तो उस पर भी जीएस पेपर 3 में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो किस प्रकार से हेल्प कर सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। आपको मैं बता दूं कि 2000 आई थिंक 8 या कुछ समय पहले ही बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया था और उसने म्यांमार रीजन को हिट किया था, और उस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और क्यों डेथ हुई थी, मेनली क्योंकि उनके पास प्री वार्निंग सिस्टम नहीं था, पहले से ही वार्निंग सिस्टम नहीं दी गई थी कि इस प्रकार का साइक्लोन आना है। लेकिन आज के समय में हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग है जिससे हम पहले ही लोगों को बता देते हैं, है ना, या एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही अलर्ट हो जाता है कि इस प्रकार का भयंकर साइक्लोन आने वाला है और वो काफ़ी ज़्यादा लॉस कॉज कर सकता है। तो लाइफ तो हम बचा लेते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, लाइवलीवुड, जो लाइवलीवुड है लोगों का या लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसका जो लॉस है उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब उसको किस प्रकार से किया जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने लाइफ जरूर बचा ली है। ठीक है, तो यहां भी आपका ये प्रश्न जरूर बन सकता है। तो ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, ये साइक्लोन जो साइक्लोन फानी जो है आपका, जो ये साइक्लोन फानी है, ठीक है, फानी बोलते हैं और इसको फोनी भी बोलते हैं, कई जगह आपने फोनी भी पढ़ा होगा, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेमिंग इसकी किस तरीके से की जाती है और ये जो फानी या फोनी जो है इसका मतलब क्या होता है। तो नेमिंग को भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में ये क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, इनके क्या बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये जो फानी है ये फानी यूनिक क्यों है, ये फानी अगर साइक्लोन देखें ये इतना यूनिक साइक्लोन क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, तो अगर फानी की बात किया जाए तो फानी का ओरिजिन पॉइंट आपसे पहला अगर प्रश्न अगर कोई आपसे पूछे कि फानी जो है ये जो साइक्लोन है ये साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट हुआ, तो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये साइक्लोन आपका बे ऑफ बंगाल रीजन पे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल रीजन पर ओरिजिनेट हुआ, इस जगह पे ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। अब देखो जो भी ये साइक्लोन्स बनते हैं, है ना, ये ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो भी साइक्लोन्स बनते हैं, है ना, जिनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब भी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं तो ये मेजर दो फेज में बनेंगे, आपका मतलब या तो अप्रैल या मई के महीने में बनते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप देखें तो नवंबर दिसंबर के महीने में बनते हैं, ये दो तरीके से ये साइक्लोन्स बनते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि फानी क्यों इतना यूनिक साइक्लोन है, और इसमें बहुत अच्छा प्रश्न आपके ऑप्शनल में भी बनेगा और आपके जीएस में भी ये प्रश्न बन सकता है। तो ये क्यों इतना यूनिक साइक्लोन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो हमें समझनी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर आप इसके रूट को देखें, साइक्लोन जो फानी है, अगर आप इसके रूट को देखें जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो ये मैपिंग की गई है, तो उसके अगर आप रूट को देखें कि पहले ये बे ऑफ बंगाल रीजन में ओरिजिनेट हुआ, ये धीरे धीरे बना, और बनने के बाद 29 अप्रैल से लेके ये धीरे धीरे जो है ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, और ये था कि 4-5-6 मई तक ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक पहुंच सकता है, ये जो रूट है ये इसका कहा गया, इस वजह से वेस्ट बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया था। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि जब हम इसके रूट की बात कर रहे हैं, है ना, ये जो रूट की बात कर रहे हैं, तो जब भी ये साइक्लोन्स, है ना, जब भी ये जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब लैंड एरिया को हिट करते हैं, ठीक है, जब लैंड एरिया को ये हिट करते हैं ये साइक्लोन्स, तो इनको हम कहते हैं वी कॉल इट एज लैंडफॉल, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि ये साइक्लोन लैंडफॉल करने जा रहा है, ठीक है, ये साइक्लोन लैंडफॉल करने जा रहा है। तो जब ये लैंडफॉल करने जा रहा होता है तो इसका क्या मतलब है कि ये लैंड एरिया के ऊपर ये साइक्लोन आ चुका है, अब ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, क्योंकि अगर ये साइक्लोन सिर्फ समुद्र में ही होगा तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि साइक्लोन जब मूव करेगा और लैंड एरिया में आएगा तो फिर ये काफी डिस्ट्रक्शन जो है कॉज कर सकता है, लैंडफॉल के बाद जो है ये और अधिक डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने दो पॉइंट सीखे, पहला पॉइंट फानी कहाँ ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि फानी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, फानी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कि ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, इसको आप अगर हिंदी में कहें तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये एक उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो फानी को समझने के लिए, है ना, अगर आपको फानी को समझना है तो सबसे पहले आपको ब्रीफ में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फानी है या फेलिन है या हुदहुद है, कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के मैकेनिज्म को आप जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं बट अगेन सारे साइक्लोन का फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो एक जैसा होता है। तो अब समझते हैं चल के हम कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो क्या है, ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें, अंडरस्टैंडिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन, बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, और जो डायग्राम हम बना रहे हैं उसको आप मतलब जो हम एक प्रकार से अभी समझ रहे हैं उसको आप साथ साथ लिखते भी जाएं, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन लिया गया है, जैसे मैं आपको पहले भी कन्वे कई लेक्चर्स में अपने किया हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन लिया गया है ये नासा की अगेन वेबसाइट से लिया गया है, और बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड, है ना, बहुत सारी किताबें हैं, है ना, जो किताबें आप पढ़ते हैं तो उन किताबों में भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन काफ़ी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन आज हम जो डिस्कस करेंगे ये इतना आसान एक्सप्लेनेशन है, और ये आप ऐसा नहीं है कि ये आसान है तो मतलब गलत है, ये एक्सप्लेनेशन क्योंकि नासा के द्वारा रखा गया है तो इसलिए इसे कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ऑप्शनल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, तो आप जो है नोट डाउन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, तो चलिए ओके अब नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ध्यान से सुनना है, बहुत मजा आएगा इसको सुनने में और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक एक चीज को बहुत बेसिक से डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो है, जो प्रश्न आपके मन में आएगा कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? जब ट्रॉपिकल साइक्लोन शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे दो शब्द हैं आपके, है ना, दो वर्ड्स हैं आपके यहाँ पे, एक शब्द है ट्रॉपिकल और दूसरा जो आपका शब्द है वो है साइक्लोन, ठीक है। दूसरा शब्द है आपका साइक्लोन और पहला शब्द है ट्रॉपिकल, तो ये दो शब्दों से मिलकर ट्रॉपिकल साइक्लोन बना है। अगर हम साइक्लोन शब्द की बात करें, साइक्लोन का क्या मतलब होता है? साइक्लोन का सिंपल सा मतलब होता है लो प्रेशर एरिया। अब देखो यहाँ पे कई सारे कंफ्यूजन आ सकते हैं, अगर आपने बिल्कुल भी ज्योग्राफी आज ही से शुरू किया है या ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा है तो लो प्रेशर एरिया क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन मैं अपने लेवल पे जितना भी आपको बता सकता हूँ मैं थोड़ा सा आपको कन्वे कर दूंगा, ठीक है। लो प्रेशर एरिया, जब हम साइक्लोन शब्द का उपयोग करते हैं इसका मतलब होता है लो प्रेशर एरिया और या फिर डिप्रेशन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, दो शब्दों का उपयोग होता है। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर शब्द का क्या मतलब होता है, ये भी कई बार आपने सुना होगा कि लो प्रेशर एरिया या हाई प्रेशर एरिया क्या होता है। अगर आप किसी भी लैंड एरिया में जाएं, है ना, किसी भी लैंड एरिया में जाएं तो एटमॉस्फियर में, है ना, एटमॉस्फियर में अगर आप देखें, ठीक है, तो एटमॉस्फियर में जो हवा का दबाव होता है वो डिसाइड करता है कि कहाँ कम दबाव का क्षेत्र है और कहाँ ज़्यादा दबाव का क्षेत्र है, ठीक है। अगर हवाएं ऊपर की तरफ ऐसे जाती हैं, ठीक है, अगर हवाएं जो हैं ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगी तो ये क्या होगा, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे इट इज़ अ लो प्रेशर एरिया, ठीक है, ये लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा क्योंकि हवाएं आपकी ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। वहीं अगर हवाएं नीचे की तरफ सेटल हो रही हैं, ठीक है, नीचे की तरफ अगर हवाएं आ रही हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर एरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाई प्रेशर एरिया। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लो प्रेशर एरिया की बात कर रहे हैं इसका मतलब हवाएं वहां से ऊपर की तरफ जा रही हैं, और जब हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो आसपास की हवाएं इस इलाके में आ जाती हैं, ठीक है, कोई वैक्यूम तो क्रिएट होता नहीं है, है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि खाली क्षेत्र रह जाएगा, अगर कहीं से हवाएं ऊपर जा रही हैं तो आसपास की हवाएं वहां पे आ जाएंगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात आती है ट्रॉपिकल की, अब मन में आएगा कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या है। देखो अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, ये आपका अर्थ है और ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर अगर आप देखें तो आपका ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, और उसके ऊपर आपका 23.5 में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपके पास दो है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री पे होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी इलाका इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ऐसे साइक्लोन, यहाँ पे मतलब क्या हुआ, ऐसे साइक्लोन या चक्रवात जो कि फॉर्म हो रहे हैं ऐसी कंडीशंस पर, जो कंडीशंस अवेलेबल हैं इस रीजन में, ट्रॉपिक्स के रीजन में जो अवेलेबल है, तो उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या बोला मैंने कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऐसे साइक्लोन्स हैं जिनका फॉर्मेशन आपका हो रहा है ट्रॉपिक्स के इलाके में, ठीक है, ट्रॉपिक्स के इलाके में या फिर ट्रॉपिक्स में जो कंडीशंस अवेलेबल है वैसे कंडीशंस में वो जो चक्रवात है या साइक्लोन्स जो है उनका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहां का क्या मतलब हमने समझा, साइक्लोन का मतलब समझा लो प्रेशर एरिया और ट्रॉपिकल का मतलब हमने समझा कि इस इलाके में, ठीक है, ट्रॉपिक्स का जो हमने मतलब समझ लिया। अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट आ जाता है, वो ये है कि जो चक्रवात आपके ट्रॉपिक्स वाले इलाके में या ट्रॉपिक्स की जो कंडीशंस होती हैं वहां जो चक्रवात बनते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अब प्रश्न मन में एक आ सकता है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि ये जो आप ट्रॉपिकल साइक्लोन बात कर रहे हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के लिए ट्रॉपिक्स वाले इलाके में ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन आपकी है वो है टेम्परेचर की, 27 डिग्री कहीं 28 डिग्री लिखा होता है कहीं 26 लिखा होता है, बट इन जनरल अगर आप देख लें तो 27 डिग्री का टेम्परेचर आपको जरूरत होती है।
जो साइक्लोन्स बनते हैं, इन साइक्लोन्स को बनने के लिए ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय जो ये चक्रवात है, इनके बनने के लिए आपको 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की जरूरत होती है। पहला पॉइंट तो ये है। अब ये जो 27 डिग्री टेम्परेचर को आपको जरूरत है, ये आपके ना ही सब ट्रॉपिकल रीजन में अवेलेबल होगा, और दूसरा जो है ना ही आपका टेम्परेट इलाके में अवेलेबल होगा, या ना ही पोलर रीजन में अवेलेबल होगा। मतलब कि ट्रॉपिक्स वाले इलाके से अगर आप दूर जाते हैं, तो उन इलाकों में आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर नहीं रहेगा। इसका मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन उन इलाकों में नहीं बन सकते हैं। और ये कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी? ये कंडीशन आपको मिलेगी ट्रॉपिक्स के इलाके में, ठीक है। ये कंडीशन आपको विद इन ट्रॉपिक्स मिलेगी, ठीक है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये ट्रॉपिक्स में फॉर्म होते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरी जो कंडीशन है वो है मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी। तो ये दो कंडीशंस जो है आपको जानना है, ये दो कंडीशंस जरूरत है आपको अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसको बनना है। दो कंडीशंस कौन सी हैं? 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन एन एवरेज और मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, ये दो कंडीशंस। और ये दोनों ही कंडीशंस आपकी ट्रॉपिक्स के इलाके में अवेलेबल होती हैं। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, बहुत आसान सा मैकेनिज्म है। देखो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये केमिस्ट्री आप मत लगाओ, है ना। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, है ना। वो वाली चीज़ जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, है ना। तो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है एयर प्रेशर पर, ठीक है, एयर प्रेशर पर। और अगर टेम्परेचर हाई होता है तो एयर जो है, एयर का जो दबाव है, हवा का जो दबाव है वो कम होता है। और हवा का जब दबाव कम होता है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो कम होता है, ठीक है। तो अपने अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स लिख रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट, तो आप थोड़ा सा एक बार देख लें, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ना। चलिए अब मैं आपको इसके मैकेनिज्म को बता देता हूँ। और ये मैकेनिज्म अगर आपसे कोई पूछे फानी कैसे बना, तो सेम मैकेनिज्म आपको अप्लाई होगा, अगर फानी के फॉर्मेशन के बारे में भी कोई पूछता है, ठीक है। तो देखो ये आपका लैंड एरिया है, ठीक है, ये एक लैंड एरिया है, यहाँ पे आप समझिए ये आपका वाटर बॉडी है एक, ठीक है, दिस इज वाटर बॉडी। और ये आपका सूरज है, सन है, ठीक है। अब सन की हीट अगर वाटर पे पड़ती है, इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, आपके जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हीटअप होंगे, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके हीटअप होंगे। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर गैस में अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाटर बेसिकली, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर पे, ठीक है, वाटर वेपर पर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वाटर वेपर क्या है, एक गैस है। इसी प्रकार सन की जब हीटिंग होती है तो जो ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उसकी वजह से क्या है, इवापोरेशन होता है और पानी जो है भाप के रूप में या वाटर वेपर के फॉर्म में पानी ऊपर इस तरीके से जाता है। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो सिंपल सी चीज़ ये है कि एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज अ नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, वी कॉल इट एज अ नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप जो एटमॉस्फियर है उसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं,
जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो कम होगा। और ये कैसे कम होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर अगर आप आसमान में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर विल रिड्यूस बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर विल रिड्यूस बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि एक बार हीटिंग हुई, हीटिंग के बाद वाटर वेपर ऊपर इस तरीके से जा रहे हैं, वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिंपल सी चीज़ क्या होगी कि कूलिंग हो रही है, अगर कूलिंग होगी तो ये वाटर वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। ये बहुत ध्यान से समझना है, कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। यहाँ देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने कहा कि अगर वाटर है, वाटर को अगर आप हीट करते हो तो ये गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और अगर आप गैस को कूल करते हो, ठीक है, तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना, वाटर को फर्दर कूल करते हो तो ये आइस बन जाएगा, ठीक है, सेम चीज़ है, जैसे अगर फ्रिज में आप वाटर रखते हैं तो आपका आइस बनता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर गैस में, गैस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब गैस जो है हीट को लॉस करेगी तब ये वाटर में कन्वर्ट होगी। इसी प्रकार वाटर जब हीट को लॉस करेगा तब वो आइस बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर जो ये वाटर वेपर आसमान में ऊपर जा रहा है, अगर ये कूलिंग की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कूलिंग की वजह से अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ध्यान से समझना है कि ये जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इस वजह से यहाँ पे हीट रिलीज होगी, है ना, हीट रिलीज होगी, है ना। जैसे हमने क्या कहा कि अगर गैस से कोई चीज वाटर में कन्वर्ट होती है तो आपकी हीट रिलीज होती है ना, हाँ ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये आप सभी समझते होंगे। और इसी प्रकार का प्रोसेस आपका आसमान में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब ये वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो क्या होगा, जब ये हीट रिलीज काफी ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये प्रोसेस एक दिन दो दिन नहीं चलता, ये महीनों तक चलता है। तो ये महीने, मतलब एक महीना डेढ़ महीना आपका ये चलता रहा, हीटिंग हुई, वाटर वेपर बना, ऊपर गया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और हीट रिलीज हो गई। तो ये हीट जो है इतना अधिक रिलीज हो जाती है कि यहाँ पे आपका इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। जब हीट बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है तो एक इंटेंसिफाइड लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, और जब ये इंटेंसिफाइड लो प्रेशर डेवलप हो जाता है तो जो हाई प्रेशर एरिया में हवाएं हैं, ठीक है, आसपास की हवाएं जो हैं वो इसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होती हैं। ये सारी चीज़ें आपका आसमान में हो रहा है, ठीक है, जो जो आपका समुद्र है उसके ऊपर जो आसमान है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे ये सारा प्रोसेस चल रहा है ना, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर आप किसी भी स्टेट में अभी आप बैठ के इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप राजस्थान में हैं, कोई कहेगा उत्तर प्रदेश में है, कोई कहेगा मध्य प्रदेश में है, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि जब आप आसमान की तरफ देखते हो, आसमान जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, वहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि ये मध्य प्रदेश है, ये वो है, पूरा जो आसमान है, चाहे वो चाहे यूएसए के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर हो या चाहे वो इंडिया के ऊपर एटमॉस्फेयर है, सारा जो एटमॉस्फेयर है वो आपस में कनेक्टेड है, भले लैंड एरिया डिवाइडेड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आसमान में या एटमॉस्फेयर में कुछ भी बदलाव होता है या इस प्रकार का अगर हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर डेवलप होता है तो आसपास की जो ज़्यादा दबाव क्षेत्र में जो हवाएं हैं, जो हाई प्रेशर एरिया में जो हवाएं हैं, वो हवाएं बेसिकली आपकी अट्रैक्ट होंगी टूवर्ड्स लो प्रेशर, ठीक है, वो अट्रैक्ट होंगी टूवर्ड्स लो प्रेशर, ठीक है। और ये जो लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं अट्रैक्ट होती हैं तो यहाँ पे आप एक फोर्स समझो, देर इज वन फोर्स कॉल्ड कोरिओलिस फोर्स, ठीक है, द फोर्स इज कोरिओलिस फोर्स, ठीक है, एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं कोरिओलिस फोर्स, ठीक है, कोरिओलिस फोर्स, देर इज इश्यू विद, ठीक है, तो ये होता है जिसको हम कहते हैं कोरिओलिस फोर्स। और कोरिओलिस फोर्स में क्या होता है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज आपका टूवर्ड्स राइट जो है वो ड्रिफ्ट होगी, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में जो चीज होगी वो टूवर्ड्स लेफ्ट ड्रिफ्ट होगी। अब इस कोरिओलिस फोर्स की वजह से ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं अगर आप माने तो क्या देखने को मिलता है, ये हवाएं जब तेजी से आती हैं तो इस कोरिओलिस फोर्स की वजह से इनकी ड्रिफ्टिंग होती है, मतलब ये सीधे नहीं आएंगी, ये क्या है ऐसे इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इस तरीके से ड्रिफ्ट होती चली जाएंगी, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं आपकी वर्लिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो कोरिओलिस फोर्स है, ये कोरिओलिस फोर्स एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपकी जो वर्लिंग है
वर्लिंग जो है वो देखने को मिलती है साइक्लोन में। तो ये बेसिक प्रोसेस है जो कि आपको समझना है ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में। अगर आप फानी की बात करें, है ना, अगर आप फानी की बात करते हैं तो सेम चीज़ यहाँ भी देखने को मिली है। फानी का अगर फॉर्मेशन देखें तो बे ऑफ बंगाल रीजन है, और बे ऑफ बंगाल का जो ये इलाका है इसके ऊपर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल का जो ये इलाका है इसके एटमॉस्फेयर के ऊपर ये सारा प्रोसेस हुआ है, और फिर जो है साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर जो विंड्स के थ्रू, है ना, ये दूसरी जो हवाएं हैं उनके थ्रू ये बेसिकली इंडिया के जो लैंड एरियाज है, जैसे वेस्ट बंगाल का इलाका हो गया या उड़ीसा का इलाका हो गया, वहाँ पे इसने लैंडफॉल कॉज किया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर कोई आपसे फानी के फॉर्मेशन को पूछे तो आपको उसी मैकेनिज्म को ही समझाना है। ये क्लियर है सभी को? यहाँ कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है यहाँ पे? अपूर्वा, सब्रति, मोनिका, अजय, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है? नहीं तो अब हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं फानी के फानी से रिलेटेड या फोनी से रिलेटेड। और क्योंकि अभी हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को समझ लिया, अब हम समझेंगे कि फानी या फोनी क्या है, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि क्या यूनिक चीज़ है फानी या फोनी से रिलेटेड। ठीक है, ये पॉइंट्स आप समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप कोई भी, ठीक है, चलो, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो यहाँ पे नोट डाउन कर लो पहली चीज़। अब पहला मतलब समझ लेते हैं। देखो, साइक्लोन फानी, इसको फोनी भी बोलते हैं, कई जगह पे आपने पढ़ा होगा, है ना, कई चैनल्स में आपने देखा भी होगा, कोई लोग उसको फोनी भी बोलते हैं। ये जो नेमिंग होती है जो साइक्लोन्स की, ये इसका मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो फानी नाम दिया गया है, है ना, ये बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया है, और इसका मतलब होता है हुड ऑफ स्नेक। जैसे जो कोबरा होता है, कोबरा का जो हुड होता है, है ना, ऊपर जो फन जिसे हिंदी में हम कहते हैं, तो ये क्या है? फानी। ठीक है, फानी का मतलब हुड ऑफ स्नेक, ये ध्यान रखना है। और ये अगर आप देखें तो ये काफ़ी काफ़ी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, काफ़ी बड़ा साइक्लोनिक स्टॉर्म था, जिसने 2019 में नॉर्थ इंडियन ओशन में ये फॉर्मेशन इसका हुआ। और इसका अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन देखिए कि ये कहाँ पे बना, तो ये सुमात्रा, है ना, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, वहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मेशन है आपका, ये फॉर्मेशन आपका कहाँ हुआ है? सुमात्रा में। ठीक है, सुमात्रा के पास में इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसकी जो विंड स्पीड है, है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके इसकी जो पोटेंशियल विंड स्पीड है 195 किलोमीटर पर आर तक इसकी स्पीड हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप नेमिंग की बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ब्रीफ में, है ना, नेमिंग की बात अगर आप करें तो देखो, आपने सभी ने सुना होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दिस इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब देखो नेमिंग की क्या जरूरत होती है। जैसे सिंपल सी अगर हम चीज समझें कि फॉर एग्जाम्पल मैं भी ह्यूमन हूँ, आप सभी भी एक ह्यूमन है। ठीक है, अब आप में और मेरे में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कैसे। आपने मुझे एक नाम दे दिया, आपका नाम एक हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको और मुझे एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से अलग अलग जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं साल में, अलग अलग ओशियंस में, चाहे पैसिफिक ओशियन हो गया, चाहे आपका एटलांटिक ओशियन हो गया, चाहे आपका इंडियन ओशियन हो गया, अलग अलग ओशियंस में जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, तो उनको पहचानने के लिए, ठीक है, उनको पहचानने के लिए या फिर उन पर रिसर्च कर, जो है वो करने के लिए, या फिर उसने कितना डिजास्टर कॉज किया है इस पर स्टडी करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक नेम देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फानी नाम रख दिया, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल पहले तितली था जिसने आंध्र प्रदेश को हिट किया, ठीक है, तो या फिर ओखी है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग साइक्लोन्स हैं इनका हमने नेम कर दिया, तो आज से 4, 5, 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद हमको ये रहेगा कि 2019 में एक फानी नाम का साइक्लोन जो है उसने उड़ीसा को हिट किया था।
तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा उस साइक्लोन पर, उस पर जो भी रिसर्च है या अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें हम या कैटेगराइजेशन है साइक्लोन्स की, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हमने नेमिंग कर ली। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नेमिंग करता है, और उसने क्या किया है, उसने क्या किया है कि अलग अलग एरियाज में, जैसे पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है या अटलांटिक ओशियन है, अलग अलग जो इलाके हैं उन सारे इलाकों में क्या कर दिया है कि आपका जोन्स डिवाइड कर दिए हैं, और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो मेट्रोलॉजिकल जैसे भारत का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, बांग्लादेश का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, अलग अलग देशों के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक जोनिंग कर दी है, ठीक है, है ना, अलग अलग 6-7 जोन बना दिए हैं, और उनसे क्या है रोटेशन बेसिस पे नाम जो है नाम मांगते हैं, ठीक है, तो वो नाम जो है सबमिट किए जाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, 7-8 नाम जो है वो सबमिट किए जाते हैं, है ना, और वो नाम अगर कोई साइक्लोन आता है तो फिर उन्हीं नाम का उपयोग किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रोसेस बेसिक होता है अगर आप कहें नेमिंग का, है ना, तो मेजर जो रोल होता है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का होता है जब आप बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखो कि इससे पहले भी एक साइक्लोन आया था जिसका नाम ओखी था, ठीक है, ये साइक्लोन का भी नाम रखा गया था बांग्लादेश के द्वारा, और ये जो ओखी साइक्लोन है इसने केरला रीजन को हिट किया था, ठीक है, इसने केरला रीजन को हिट किया था। इसके अलावा अगर आप देखें साइक्लोन तितली, ठीक है, जिसने आंध्र प्रदेश को हिट किया था और उड़ीसा के कुछ पोर्शन को हिट किया था, तो इसका जो नाम रखा गया था वो पाकिस्तान के द्वारा रखा गया था, है ना, ये किसके द्वारा रखा गया था, पाकिस्तान के द्वारा रखा गया था। तो ये क्लियर है सभी को यहां तक नेमिंग का। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा ये यूनिक क्यों है, है ना, यूनिक क्यों है ये पॉइंट अभी डिस्कस करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यूनिक क्यों है, ठीक है, इस पर कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, तो ये यूनिक क्यों है इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो कोई डाउट है यहां तक कोई, ओके, ठीक है, तो देखो यहां पे एक पॉइंट आप ध्यान रखो, अगर आप इंडिया के मैप को ड्रॉ करें, है ना, अगर आप इंडिया को देखते हैं इस तरीके से, तो आपका यहां पे ये बे ऑफ बंगाल रीजन है और ये अरेबियन सी इलाका है। जो साइक्लोन्स बनते हैं मैक्सिमम बे ऑफ बंगाल रीजन में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके बनने के लिए जो कंडीशंस की जरूरत होती है, 27 डिग्री सेल्सियस जो कंडीशन है, वो कंडीशन आपकी यहाँ ज़्यादा फेवरेबल होती है, क्योंकि तीन तरफ से, है ना, थ्री साइड से इसका ये सराउंडेड है लैंड एरिया से, ये लैंड एरिया से सराउंडेड है, ठीक है, वहीं अरेबियन सी जो है वो थोड़ा ओपन और वाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी ओपन और वाइड है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो साइक्लोन के फॉर्मेशन की कंडीशन है या फिर जो हीटिंग की जरूरत होती है वो अरेबियन सी में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है। बे ऑफ बंगाल रीजन में क्योंकि वो तीन तरफ से लैंड से सराउंडेड है, है ना, एक ही साइड से ओपन है, इस वजह से ये एरिया भी छोटा है, इस वजह से यहाँ पे हीटिंग काफ़ी अधिक हो सकती है, और ये जो कंडीशन है 27 डिग्री सेल्सियस की ये काफ़ी समय तक मेंटेन रह सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये बेसिक रीजन है कि जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन का फॉर्मेशन की बे ऑफ बंगाल रीजन में वो काफ़ी अधिक है अगर आप कंपेयर करें अरेबियन सी से, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 5 से 6, है ना, अबाउट 5 to 6 जो स्टॉर्म्स है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है, वो बे ऑफ बंगाल रीजन में बनते हैं, है ना, एवरी ईयर, हर साल लगभग हर साल 5 से 6 के आसपास बनते हैं, और मेनली 2 महीनों में रहेंगे, ठीक है, अप्रैल मई में या फिर अक्टूबर और दिसंबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में ये साइक्लोन्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको ये पता चलेगा कि फानी यूनिक क्यों है, जो बेसिक पॉइंट आपको समझ में आएगा कि वाई फानी साइक्लोन इज अ यूनिक थिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अप्रैल और मई के महीने में और अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीनों में साइक्लोन्स बेसिकली बनते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो कि कई सारे स्टडी हाईलाइट कर रही हैं, वो ये हाईलाइट कर रही हैं लगातार कि जैसे फॉर एग्जांपल जो ये अप्रैल, ठीक है, अप्रैल और ठीक है जो अप्रैल और मई के महीने में जो साइक्लोन्स बनते हैं, वो साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल रीजन में बनते हैं,
ये साइक्लोन अगर आप देखें वो इतने इंटेंसिफाइड नहीं होते हैं, इतना सीवियर नहीं होते हैं, ठीक है। अप्रैल और मई के महीने में जो साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल रीजन में बनते हैं वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होते, एक्सट्रीम साइक्लोन्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें, लेकिन अगर आप देखें फानी भी कब बना, ये अगेन जैसे अभी मई मंथ चल रहा है, अप्रैल के महीने में बना, अभी मई चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फानी जो है वो इस टाइम पीरियड में बना, इसके बावजूद भी ये बहुत सीवियर साइक्लोन है, ठीक है, इसके बावजूद भी ये बहुत सीवियर साइक्लोन है। तो ये एक यूनिक पॉइंट है। अगर आप देखें, अगर आप कुछ डेटा देखें तो सिर्फ 14 बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल के महीने में 14 बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल मई के महीने में सीवियर साइक्लोन्स बने हैं 1891 से लेके आज तक। मात्र 14 बार ऐसा हुआ है कि आपके पास सीवियर साइक्लोन्स बने हैं और उनमें से एक जो है वो फानी है। फानी जो बना है वो भी एक सीवियर साइक्लोन है और वो अप्रैल के महीने में बना है बे ऑफ बंगाल रीजन में। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो सीवियर साइक्लोन बनते हैं मेनली बे ऑफ बंगाल रीजन में, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में बनते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अप्रैल और मई के महीने में आपके जो बे ऑफ बंगाल रीजन में साइक्लोन्स बनते हैं वो साइक्लोन्स इतने सीवियर नहीं होते हैं, लेकिन फानी जो है वो सीवियर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में जो साइक्लोन्स बनते हैं वो बेसिकली काफ़ी सीवियर साइक्लोन्स होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो फानी है ये सीवियर से एक कदम आगे बढ़ गया है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी ऐसा कहा जा रहा है कि आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो किसी साइक्लोन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो किसी भी साइक्लोन को जब आप कैटेगराइज करते हैं तो उसके पीछे सिंपल सी चीज़ होती है कि विंड स्पीड कितना जनरेट होती है ना। अगर 30 से 60 के आसपास है पर आर जो है तो वो नॉर्मल साइक्लोन होगा, साइक्लोनिक स्ट्रॉम होगा, है ना। अगर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की बात करें तो 61 से 88 किलोमीटर है। सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की बात करो तो 89 से 117 किलोमीटर पर आर है। वेरी सीवियर सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की बात करें तो 118 से 118 से 116 किलोमीटर पर आर है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की बात अगर आप करते हैं तो 167 से 221 किलोमीटर पर आर है। और सुपर साइक्लोन की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर उससे ज़्यादा स्पीड हो, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन होता है साइक्लोन्स का। आपके पास अलग अलग कैटेगराइजेशन है, ठीक है। या तो नॉर्मल साइक्लोन हो गया जिसे हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं, या फिर साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स हो गए, है ना, साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स हो गए, या फिर अगर आप देखें तो सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स हो गए, है ना, सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम हो गए। उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम हो गए, है ना, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम हो गए, है ना, और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम हो गए, है ना। अलग अलग जो ये साइक्लोन्स होते हैं और इनकी जो स्पीड है उस बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो जो सीवियर साइक्लोन है इससे भी बियॉन्ड एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी होती है, जिसकी स्पीड लगभग 167 से 221 किलोमीटर पर आर तक जा सकती है। फानी को कहा जा रहा है कि इसकी जो ये कैटेगरी है वो है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है और इसको भी थोड़ा सा आप समझ लें, ठीक है। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अप्रैल और मई के महीने में बे ऑफ बंगाल रीजन में आपका ओरिजन होता है साइक्लोन्स का। इन जनरल अगर आप देखें तो बे ऑफ बंगाल रीजन में अप्रैल और मई के महीने में आपके पास साइक्लोन्स का ओरिजन होता है, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर के महीने में भी साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल रीजन में बनते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, फिर कैसे ये साइक्लोन बन रहे हैं, ठीक है, फिर कैसे ये साइक्लोन बन रहे हैं, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपके मन में आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आपको ना ही एनसीईआरटी में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से सुने। देखो इसका क्या है कि जो ये साइक्लोन बनते हैं बेसिकली ये बेसिकली पैसिफिक ओशियन रीजन में बनते हैं, ठीक है। आपके ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन आपके जो बनते हैं ये पैसिफिक ओशियन रीजन में बनते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में जो साइक्लोन्स होते हैं ये पैसिफिक ओशियन रीजन में बनते हैं और
पैसिफिक ओशन रीजन से ये बे ऑफ बंगाल रीजन में ये आते हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशन रीजन से ये बे ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं। मैं इसको आपको मैप के थ्रू समझा देता हूं। क्या बता रहा हूं मैं यहां पे आपको कि अगर अगर हम समझें इसको, ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, ये पैसिफिक ओशियन रीजन है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन रीजन है और ये आपका बे ऑफ बंगाल रीजन है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में जो आपके साइक्लोन्स होते हैं वो साइक्लोन्स आपके पैसिफिक एरिया में बनते हैं, ना कि बे ऑफ बंगाल रीजन में। और पैसिफिक ओशियन एरिया में बन के ये मूव करते हैं टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल रीजन में, ठीक है, ये यहां से यहां मूव करते हैं। वहीं अगर अप्रैल और मई के महीने में जो साइक्लोन बनते हैं वो बे ऑफ बंगाल रीजन में ही वो ओरिजिन होता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो महीने में साइक्लोन अगर आप देखें उनका ओरिजिन पैसिफिक ओशियन रीजन में होता है। और फिर ये एक बार जब पैसिफिक ओशियन एरिया में जब ये बनते हैं उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल रीजन में आके आते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे लैंडफॉल कॉज करते हैं। बे ऑफ बंगाल रीजन में पहुंचने के बाद वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं और स्ट्रेंथन होने के बाद ये बेसिकली इंडिया जो है उसके अलग अलग इलाकों में वो फिर डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, लैंडफॉल जब होता है उसके बाद, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। कोई डाउट है यहां तक किसी को? ये जो मूवमेंट होता है, एक पॉइंट और ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको कोई प्रश्न है तो आप जो प्लीज थोड़ा सा बता दें। देखो इनका जो मूवमेंट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, याद रखो इस चीज को। जो मूवमेंट आपका होता है वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है ना, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और भी मैं बता दूं कि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी इतना हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से। टेम्परेट साइक्लोन के केस में आपका फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, ये आप याद रखो। टेम्परेट साइक्लोन के केस में आपके पास फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में आपका ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक जो पॉइंट आपको हमने डिस्कस किया वो मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज हमने जानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया फानी के बारे में, फानी क्या होता है। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि फानी यूनिक क्यों है, ठीक है। ये लास्ट दो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट तो आपसे पूछ चुका है यूपीएससी कई बार, फानी यूनिक क्यों है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल और मई के महीने में इसका फॉर्मेशन हुआ, और अप्रैल और मई के महीने में जो साइक्लोन्स बनते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में वो इतना इंटेंसिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन फानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बना है। ये क्या है, ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बना है, तो ये इसका एक यूनिक पॉइंट है फानी का, ठीक है, अप्रैल मई के महीने में। दूसरा मैंने आपको बताया, लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो नेमिंग है साइक्लोन्स की वो किस तरीके से की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे फानी है या कोई भी साइक्लोन्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेसिकली वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं। और वहाँ पे जैसे जो भी हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है तो आपको सिर्फ उस वाटर बॉडी का नाम ले लेना है। जैसे अगर फानी के केस में अगर इसके मैकेनिज्म के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि ये किस प्रकार से बना है, तो वहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल का जो है वो एग्जांपल लेके फिर समझाना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताएं, नहीं तो हम सेशन को क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है?
देखो अपूर्वा आप पूछ रहे हो ईस्टर्न घाट में साइक्लोन्स इतना अधिक क्यों नहीं आते। देखो अगर आप मैप में देखते हैं इस तरीके से, ये आपका ईस्टर्न घाट है और ये आपका वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट देखो कोस्टल, ये आपका बे ऑफ बंगाल रीजन है, ठीक है। कोई भी साइक्लोन आपका यहाँ बन रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर की है, ठीक है। ईस्टर्न घाट और कोस्टल इलाका का जो डिस्टेंस है इट इज़ अराउंड 200 किलोमीटर्स, ठीक है। तो जब साइक्लोन्स ईस्टर्न घाट तक पहुँचेंगे तब तक वो एक प्रकार से काफ़ी वीक हो जाते हैं, ठीक है। तब तक काफ़ी वीक हो जाते हैं, ये आप याद रखो, क्योंकि ईस्टर्न घाट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, 200 किलोमीटर के आसपास है ना, 200 किलोमीटर कोस्टल इलाके से है। तो जैसे ही एक बार साइक्लोन, देखो जैसे ही साइक्लोन एक बार लैंडफॉल करता है तो एक कंडीशन जो हमने डिस्कस की है वो ये है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर की जो अवेलेबिलिटी आपकी होती है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और यही मॉइस्चर जो है किसी भी साइक्लोन का एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, जो ये मॉइस्चर है ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जैसे ही लैंडफॉल करता है कोई भी साइक्लोन, मतलब जब भी कोई साइक्लोन लैंड एरिया में आता है तो लैंड एरिया में आने के बाद जो मॉइस्चर का सप्लाई है वो कट हो जाता है, इसका मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी उसका कट हो गया और उस वजह से आपका जो साइक्लोन है वो वीक पड़ जाता है। तो आप ये ध्यान रखो। और क्योंकि ईस्टर्न घाट लगभग 200 किलोमीटर दूर है कोस्ट से, इसलिए ईस्टर्न घाट पहुंचते पहुंचते जो अब अगर आप ध्यान दें तो वहां पहुंचते पहुंचते जो साइक्लोन है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, दोनों के लिए आंसर है। अगर आप वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न घाट की बात करो तो देखो वेस्टर्न घाट आपका पहली चीज तो बे ऑफ बंगाल में मैक्सिमम साइक्लोन्स बनते हैं, तो बे ऑफ बंगाल में जो भी साइक्लोन बनते हैं वो वेस्टर्न घाट तक तो पहुंचेंगे नहीं, अगर पहुंचेंगे भी तो बहुत वीक हो जाएंगे। तो एक कंडीशन तो यहाँ खत्म हो रही है। दूसरी कंडीशन है कि अरेबियन सी वाले इलाके में, अरेबियन सी वाले इलाके में अगर आप देखें अगर साइक्लोन्स बनते भी हैं, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा दूं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा पूर्वा ने आपने, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है। देखो ये अरेबियन सी का इलाका है आपका, ठीक है, ये आपका अरेबियन सी है। अब यहां पे अगर कोई साइक्लोन बनता है, पहली चीज तो मैक्सिमम साइक्लोन आपके बे ऑफ बंगाल रीजन में बनते हैं, बट क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखो कि अरेबियन सी इलाके में भी ये 27 डिग्री सेल्सियस वाली कंडीशन आपको मिल रही है। तो अगर ये कंडीशन आपको मिल रही है तो यहां भी साइक्लोन्स बनते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनका मूवमेंट हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। इसका मतलब जो ये इलाके हैं जैसे यमन, ओमान है ना, इराक सॉरी ये सऊदी अरेबिया, इन इन जगहों पे आजकल साइक्लोन जो है हिट कर रहे हैं। जैसे एक साइक्लोन नाम है उसका सागर, सागर नाम का एक साइक्लोन है उसने हिट किया है ना, मैकेलू नाम का एक साइक्लोन है उसने जो है इस इलाके में हिट किया, ठीक है। तो क्योंकि जो साइक्लोन्स का मूवमेंट होता है वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, तो वेस्टर्न घाट कहाँ लोकेटेड, इधर साइड, तो साइक्लोन इधर मूव ही नहीं करेगा, तो यहाँ तो साइक्लोन बनने की कोई चांस ही नहीं अगर आपसे कोई पूछा, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। एक चांस हो सकता है कि बे ऑफ बंगाल में कोई साइक्लोन बन रहा है वो फिर वेस्टर्न घाट तक पहुंचे, बट वो नहीं पहुंचेगा क्योंकि मॉइस्चर सप्लाई आपका पूरे तरीके से कट हो जाएगा, तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी तो आपको क्या होगा, साइक्लोन बहुत वीक हो जाएगा और वो वेस्टर्न घाट में, आप ये समझिए कि वेस्टर्न घाट में वो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, तो चलिए आज आज के सेशन में बस इतना ही। एक चीज मैं भी आपको बता देता हूँ कि मई 9 से आपकी एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में, और एग्रीकल्चर के अलावा आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की भी क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, 7 बजे से 9 बजे के बीच में, ठीक है, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में। तो आप जो है Pandey10 इस रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं और आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।